उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हर खबर, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हर खबर जो करती है आप पर असर दिखाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान पाठशाला की घोषणा की है। मंत्रियों के अफसर नहीं बल्कि किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे इसे। योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में मंडियों को अफसर नहीं बल्कि किसानों से चुने हुए लोग यानी जिन्हें वो चुनेंगे वो प्रतिनिधि चलाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का निपटारा हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान पाठशाला में 2 संस्करणों में लाभ मिलेगा और कृषि केंद्रों पर किसानों की आय दोगुना करने और आधुनिक तकनीक के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2 वर्ष पहले तक कुछ क्षेत्रों में किसानों की आत्महत्या के प्रकरण सामने आते थे और मैं सचमुच उस समय सोचता था कि प्रकृति और परमात्मा ने इतना सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश को दिया है तब भी हमारा किसान क्यों आत्महत्या करता है। लेकिन उस समय जो राजनीतिक उपेक्षा थी, राजनीतिक नेतृत्व की उपेक्षा किसानों के प्रति थी, उस उपेक्षा को देखने और अकर्मण्यता और शासन की उस उपेक्षा के कारण जो चीजें सामने आई थी, स्वाभाविक रूप से किसान लगातार घाटे में चल रहा था। न उसको शासन की कोई योजना इस समय पे मिल पाती थी, न उसकी उपज को खरीदने के लिए कोई व्यवस्था थी, न उसको सिंचाई के लिए कोई साधन दिए गए थे और विगत 5 वर्ष के दौरान तो केंद्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अनेक घोषणाएं हुई उन योजनाओं को भी ईमानदारी के साथ जब किसानों के लिए लागू नहीं किया गया तो स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक अकर्मण्यता कहूं मैं, राजनीतिक अकर्मण्यता कहूं, उसका खामियाजा अंततः हमारे किसानों को भुगतना पड़ा। और उसके सामने कृषि से पलायन करने या फिर आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था।